हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स में, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को तोड़ना। अच्छा, एक वर्ड होता है तोड़ना, एक होता है रिजॉल्व करना। तो इधर हम तोड़ने को जरा अलग पे रखें ना, रिजॉल्व करने का मतलब के रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ जुड़ सकती है तो वो उसी पॉइंट से अलग भी हो सकती है, उसको दोबारा आप जोड़ सकते हो। तो ये वर्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत के तोड़ने के, यानी कि उसको वापस वैसे ही जोड़ देना और उन्हीं उन्हीं स्टेप से उसे अलग अलग पार्ट से अलग अलग करके छोटा कर देना, यानी कि तोड़ देना। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर को रिजॉल्व करना मकसद क्या होता है। ठीक है, और वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, चलें ये ज़रा देखते हैं। बुक ने हमारे जो इधर नाम दिया है इस टॉपिक का, वो दिया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर से पहले मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आपको पता है कि अगर ये मैं एक वेक्टर डिज़ाइन करता हूँ जी, लेट्स सपोज ये हमारे पास है जी, ये एक वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इन दोनों को हमने ए टू टे रूल से जोड़ा हुआ है और ये इनका रिजल्टेंट होगा। अब आपको पता है ये सर आपने कहा था जी ये रिजल्टेंट है। ठीक है, इस तरह करके ये रिजल्टेंट है और ये बराबर है R इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब ये जो A है और ये जो B है, ये इस R के क्या है, कंपोनेंट। या तो आप इन दोनों को मिक्स करके यूज कर लो या R को यूज कर लो, दोनों का काम क्या होगा, सेम होगा। याद आ रहा है थोड़ा सा कि ये दोनों इसके क्या है, कंपोनेंट और ये मेन रिजल्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं इस कंपोनेंट को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये A कर दिया, इस कंपोनेंट बी को थोड़ा सा इसके ऊपर यूं रख दूं, तो अब इन्हें जोड़ दिया, गलती से ब्लू से ही जोड़ते हैं। लो जी, क्या अब भी ये वेक्टर आर यही कहलाएगा कि ये ए और बी का क्या है, रिजल्टेंट। आपने कहा जी सर अब भी ये वही है, ये दोनों है इसके कंपोनेंट, ये दोनों भी हैं इसके कंपोनेंट। लेकिन अगर आप इसको जरा गौर से देखो तो इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान में एंगल, लेट्स सपोज आई थिंक 120 लग रहा है, और इनके दरमियान में एंगल कितना है, 90। वो कंपोनेंट्स जो 90 के एंगल पे वेक्टर के बन रहे होंगे, उन कंपोनेंट्स का नाम क्या होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दूसरा, एक तो रेक्टेंगुलर यहां से निकल आया, दूसरा रेक्टेंगुलर कहां से निकला वर्ड, वो भी देख लेते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कैसे होते हैं। ये देखें, ये हमारा भाई साहब कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स और ये वाई। अगर आपने किसी वेक्टर को जेड भी होता है यूं करके, तो जेड को एक बार हम स्किप कर देते हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, तो जस्ट हम एक्स और वाई को देखते हैं। अगर आपने किसी वेक्टर को ड्रा किया हुआ इधर, लो जी ये मेरे पास कोई भी वेक्टर है, इसको मैंने एक्स वाई प्लेन में ड्रा किया हुआ, ये वेक्टर लेट्स सपोज ए है इसका नाम। ठीक है, अब क्या है कि इसके वो कंपोनेंट्स जो एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई डायमेंशंस के ऊपर, ये एक्स लाइन ये वाई लाइन, इन लाइन के ऊपर इसके कंपोनेंट्स, यानी कि इस ए वेक्टर के वो टुकड़े जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो होंगे, यानी कि जो टुकड़ा या जो इसकी वैल्यू एक्स में है और जो वाई में है, इन टुकड़ों को हम इसके क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके अलावा भी इसके कंपोनेंट्स होंगे, एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट, बहुत लामहदूद। लेकिन एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं, जितने रेक्टेंगुलर हमारे डायमेंशन में लाइन है, कितनी लाइन है, अगर ये टू डायमेंशन है तो दो कंपोनेंट, और मैक्सिमम कितने होंगे, तीन कंपोनेंट, जो कि थर्ड में, थर्ड वाला है नहीं। इसका मतलब है कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स कितने हैं, लामहदूद, लेकिन एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने हैं, वो मैक्सिमम तीन है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया एक वेक्टर ए। अब हमने देखना है कि ये कंपोनेंट देता क्या है, अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर गिव्स यू दी the effective value of vector in a desired direction। इसको जरा समझो,
एक कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और आम अल्फाज में जो भी कंपोनेंट है वो, आम अल्फाज वाले पे भी आपको बताता हूँ। ये उस वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू देता है, उस वेक्टर की कितनी कीमत है जिस डायरेक्शन का आप कंपोनेंट चूज कर रहे हो। यानी कि अगर ए है तो अगर मैं इसमें देखूँ भाई इसकी एक्स में कितनी ताकत इस्तेमाल हो रही है, तो वो इसकी होगी इफेक्टिव वैल्यू, कौन सी डायरेक्शन में, डिजायर डायरेक्शन में। इस तरह ए की वाई में कितनी वैल्यू जा रही है वो भी यहाँ से हमें इस डेफिनेशन से प्रॉपर पता लग रही है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको वैक्टर की सेंस में यानी कि जो लामहदूद कंपोनेंट है वो देख लेते हैं। ए ये लीजिए, अगर ये मेरे पास ये कोई भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, बल्कि छोटे छोटे पार्ट्स को हम रेड से बनाते हैं, ये ले जी, ये मेरे पास ये कम वैक्टर्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ही है। ये इनका है जी रिजल्टेंट, इस बार सही बना उस्ताद, ठीक है। ये यानी कि सम ऑफ क्या है इन सब का, इसको मैं इक्वल टू लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यही बनेगा। अब क्या है कि मैं कहता हूँ इस वेक्टर की इतनी सी कीमत इस डायरेक्शन में है, इतनी सी कीमत इस डायरेक्शन में है, इतनी सी कीमत इधर है, ऐसे 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 करके। इसका मतलब क्या बना, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये उस वैक्टर की थोड़ी थोड़ी इफेक्टिव वैल्यू दे रहे हैं इन दैट गिवन डायरेक्शन, ठीक है। और जब मैं बात करूंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, फिर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा दी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर इस वेक्टर की कितनी वैल्यू है और इस डायरेक्शन के अंदर कितनी वैल्यू। अब हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं किसके अंदर, रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर इन टू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट का हमें नहीं पता होगा, किसी ने आपको वैक्टर दे दिया, लो ये वैक्टर आ रहा है, वो कहता है अभी इसके कंपोनेंट ढूंढ के बताओ। अब हमें क्या पता कितने कंपोनेंट से बना है, 5 से 10 से, उसने कहा बस ये वेक्टर आ रहा है आप इसके कंपोनेंट बताओ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी कन्फ्यूजन है, उसने कहा क्यों सर, मैंने कहा यार वेक्टर तो इनफाइनाइट कंपोनेंट से बना है, अब मुझे क्या पता कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। लेकिन मैंने कहा यार एक चीज़ मुझे पता है कि मैं इस वैक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना सकता हूँ, 2 भी बना सकता हूँ 3 भी बना सकता हूँ। कैसे, 2 के लिए 2 डायमेंशन सिस्टम ले लेंगे और 3 के लिए 3, तो 2 डायमेंशन सिस्टम में जो इसकी डिजायर्ड वैल्यू में 2 डिवीजन हो जाएगी, वो वैल्यू जो एक्स में जा रही है और वो वैल्यू जो वाई में जा रही है, वो इसकी क्या बता देंगी, डिजायर्ड डायरेक्शंस। और हमने इसको रिजॉल्व कर दिया होगा इसके कंपोनेंट्स में, बट चूंकि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे पर एग्जैक्टली 90 के एंगल पे होता है, तो इसलिए इन कंपोनेंट्स का नाम क्या होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फैक्टर। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जरा आ जाए इधर, इस वैक्टर को हमने रिजॉल्व कैसे करना है। रिजॉल्व के लिए हमारे पास वेक्टर है, हम इसे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे पकड़ कर रख लेंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख लिया, इसके बाद आपको पता है ये ओरिजिन है, ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर का नाम भी होगा, इस वेक्टर का नाम है जी ओपी। क्या नाम है, ओपी, और ये किसके बराबर है, वेक्टर ए के। अब मैं चाहता हूँ कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ढूंढूँ। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए क्या करूँगा, मैं देखूँगा भाई इसकी कितनी वैल्यू एक्स में है और कितनी वैल्यू वाई में है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको कुछ यूं दे सकता हूं कि ये आपके पास एक टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये टेबल का फ्रंट आपको फेस दिखा रहा हूं। आप में से कोई बंदा मुझे ये कहता है कि सर इस पे फोर्स लगाएं, तो मुझे पता है कि भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं कहूँगा अभी कितनी और किधर, वो कहेगा सर आप इस पर लगा दें जी 10 न्यूटन की फोर्स और ऐसे करके लगा दें। मैंने कहा ठीक है जी, ये 10 न्यूटन की फोर्स है और इसके कॉर्नर पर एग्जैक्टली ऐसे लगा दें। एक और बच्चा कहता है सर एक और फोर्स लगाएं, मैंने कहा कितनी और कहाँ, आपको पता है वेक्टर है, तो फिर उसने कहा सर 10 न्यूटन इधर लगा दें F2, ठीक है। अगर आप इनको बैक एंड पे जोड़ो तो ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के साथ तकरीबन ऐसे करके मतलब एग्जैक्टली बनाएं, तो ये एक दूसरे का 90 का एंगल बनाएंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये मेज किस तरफ जाएगा, आपको कहो सर दोनों फोर्सेज इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो ये जाता नहीं, लेकिन ये चलेगा। मैंने कभी किधर चलेगा, F1 की तरफ 2 की तरफ, आपको कहो सर वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। जब आप इनका वेक्टर एडिशन करोगे इन दोनों फोर्सेज का, सर जोड़ोगे, ये नहीं है ये सिर्फ एक्सटेंड की हुई है, ठीक है, इतनी नहीं है, ये सिर्फ एक्सटेंड करने के लिए एंगल समझाने के लिए बनाई है, तो आप देखोगे आप बड़े हैरान कुन नज़रों से इसे देखोगे कि यार ये तो इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो इनका रिजल्टेंट है ये इन दोनों फोर्सेज का वो इस जगह जा रहा है,
ये जो कंपोनेंट जो एक दूसरे पर 90 बना रहे हैं, इन कंपोनेंट्स का नाम भी क्या होगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और वही चीज़ हम इधर हम इस देखते हैं कि भाई इसके वो कंपोनेंट जो एक दूसरे पर 90 के एंगल पे पड़े होते हैं, उन कंपोनेंट्स का नाम क्या होगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, लो ये देखो, ये हमारे पास है जी एफ। अब आपने क्या करना है, इसकी ए की वो वाली वैल्यू देखनी है जो कहां पर हो, एक्स पे। इसके लिए आप बाजार जाओ और एक बल्ब लाओ बेहतरीन सा, इस बल्ब को इधर लगा दो। आप इस बल्ब को लगाओगे तो इस बल्ब ने इसके ऊपर एक बनाना है साया, ठीक है, साया मीन शेडो बनाना है। वो शेडो आप देखोगे एग्जैक्टली कुछ यूं कर कर आकर इस पर गिर रहा होगा, ए इस जगह इसका साया बन रहा होगा ऐसे करके, ऐसे करके ये इसका है जी साया, ठीक है, ये इसका साया बन रहा होगा ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वाई पे कितनी वैल्यू होगा, मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखना है, तो मैं इस बल्ब को उठाऊंगा यहाँ से और उठाकर इस जगह पर लगा दूंगा ऐसे करके। अब क्या, अब इसका साया कहाँ बनेगा? एग्जैक्टली इसके वाई के ऊपर। अब वाई के ऊपर कहाँ तक बनेगा? जहाँ तक ये खुद है, तो ये आप देखोगे तो ये खुद इस जगह आ रहा होगा। ये इसका बन गया। अब मैं इन पॉइंट्स के नाम दे लेता हूँ, ठीक है, नाम देने के लिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे कि इधर आप M कह लो, इधर आप कह लो N। अगर बाई रूल ऑफ इक्वल वैक्टर्स, क्या ये वैक्टर ऊपर की डायरेक्शन में इतना है, क्या इधर मैं कैसा वैक्टर बनाऊँ जो बिल्कुल यूं हो, यूं सेम वैक्टर्स है, सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो इक्वल वैक्टर्स की डेफिनेशन के मुताबिक क्या बना, ये वाला वेक्टर और ये वाला, ये जो ओ एन वैक्टर है और यहाँ से एम और पी वेक्टर है, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि ओ एन और एम और पी, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। चूंकि ये ए का टुकड़ा है और टुकड़ा किसके ऊपर पड़ा हुआ है, वाई के, तो इस वेक्टर का नाम मैं रख दूंगा ए वाई, ठीक है। अब ए वाई जे, ठीक है, ए वाई जे, यानी कि ये वो टुकड़ा जो जे पे पड़ा है, जे मीन वाई पे, इसका मतलब है ये किसके बराबर हो गया, ए वाई जे के, ठीक है जी। और ये वाला टुकड़ा जो ओ एन है, ये किस पे पड़ा हुआ है, ओ एन, ये किस पे पड़ा हुआ है आपके पास, एक्स पे, टुकड़ा वाई का है, एक्स का सॉरी ए का है, तो इसके साथ क्या आएगा, ए एक्स आई। तो हमने क्या किया, अब हमें पता है कि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि मैं अब इसे रिमूव कर सकता हूं। अब मैं इन दो टुकड़ों को जोड़ के जहां पर भी यूज करूंगा, ये वही काम करेंगे जो कौन कर रहा था, आपका वेक्टर ए, समझ आ गई। यहां पर इस ए को उड़ा दिया गया, क्यों, क्योंकि इसकी जगह अब हमारे पास दो आंसर आ गए। इसकी अलजेब्रा में सिंपल सी एग्जांपल है कि भाई पांच है, इसके आपने दो टुकड़े बना ले, आप इन दोनों को जमा करके जहां पर भी यूज करोगे आंसर आपके पास वही आएगा, वही काम करेगा जो पांच कर रहा था। इसका मतलब है ए एक्स आई और ए वाई जे, ये वही काम कर रहे होंगे जो कौन काम कर रहा था आपके पास एज अ होल, एक वेक्टर है। लेकिन आपको बंदा कहेगा सर मुझे ये तो बताओ कि इसकी ये जो लेंथ है ये कितनी होगी। मैंने कहा अच्छा अच्छा लेंथ का मतलब आप मेरे से इधर पूछना चाह रहे हो कि इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होगा, और अगर आपने कहा एक्स का पूछा तो फिर आप वाई का भी पूछोगे। मैंने कहा हाँ यार, अब मुझे पता है कि ये जो वैक्टर ए था ये हकीकत में कुछ यूं था, ये वेक्टर ए था और इसने इधर बनाना था एंगल। मैंने कहा भाई एंगल क्यों? उसने कहा सर ये वेक्टर ए तो ड्रा कर दिया था, लेकिन आपको याद हो तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि भाई ये जो वेक्टर होता है ये एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल बनाता है जो क्या शो करवाता है, उसकी डायरेक्शन। मैंने कहा हाँ यार वो तो मैं भूल गया। उसने कहा सर ये जो एंगल थीटा है और ये है, ये दोनों आपको हेल्प आउट करेंगे इसको कुछ रिजॉल्व करने के लिए। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा सर ये देखें, यहाँ पर आप अगर इन चीज़ों को देखें तो जो ओ एम है वो आपके पास क्या चीज़ है, बेस, और एम पी जो है वो आपके पास क्या है, पर पेंडिकुलर, और जो ओ पी है वो क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये वेक्टर्स आपके पास बेस, पर पेंडिकुलर, हाइपोटेनस। मैंने कहा इनका क्या फायदा भाई, मुझे तो आई एक्स वो ए एक्स और ए वाई चाहिए। उसने कहा सर अभी आपको बताते हैं, रुको जरा छबर करो। तो उसी तरह छबर करते हुए हम इधर आ जाते हैं, तो इधर देखते हैं कि भाई इनका काम क्या है। मैंने कहा सर अगर आपको मैथ आती हो ना, तो मैथ में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, मतलब कि वो जो कॉस साइन
मैंने कहा हाँ, तो कहने का सर अगर आप गौर करो तो मैथ के मुताबिक बेस को हाइपोटेनस से आप वो आइडेंटिटीज निकाल सकते हो। मैंने कहा इनका काम क्या है? इनका सर करें तो सही। मैंने कहा यार मुझे पता है कि जो कॉज होता है, ठीक है, ये किसके पहले साइन करते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? उसने कहा सर वो तो एम पी है। मैंने कहा जी अच्छा, एम और पी, और जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो क्या है? ओ पी। तो आप ज़रा इधर लिखो, साइन थीटा इज इक्वल टू एम पी। क्या है अगर हम जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो फिर मैं जे नहीं लूँगा, मैं सिर्फ क्या लूँगा, ए वाई, क्योंकि एम पी ओ एन के बराबर है और ओ एन क्या है, ए वाई, और नीचे ओ पी, ओ पी क्या है, ए, लेकिन हम चूँकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ए, जिसका मतलब है जो ए वाई है, क्योंकि ए वाई निकालना था, ए वाई किसके बराबर आ गया, ए साइन थीटा। उसने कहा सर जी ये वेक्टर आपके पास जो ए वाई की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ए साइन थीटा। मैंने कहा डायरेक्शन? उसने कहा सर डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, वाई नजर आ रहा है। मैंने कहा हाँ, तो वाई कहाँ पर होगा? सिंपल सी बात है, जे लाइन पर, तो इसकी डायरेक्शन वाई पे होगी। मैंने कहा यार क्या बात है, शहजादा लगे। अच्छा उसके बाद बात करते हैं कॉस की। कॉस किसके बराबर है? कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है तो ओ एम, और एच क्या है? ओ पी। कॉस थीटा भाई किसके बराबर आ गया? ओ एम क्या है? ओ एम तो भाई ए एक्स है, और ओ पी क्या है? ये ए है। तो यहाँ से ए एक्स किसके बराबर आ जाता है? ए कॉस थीटा। मैंने कहा यार ये भी निकल गया, क्योंकि थीटा आपको दिया होगा और ए वेक्टर का आपको पता होगा, इसका मतलब है आपने ए एक्स और ए वाई दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। जेड भी होता है लेकिन वो हम इधर नहीं करेंगे, बस हमारा यहाँ तक है ये टॉपिक। तो ये यहाँ पर हमने ए एक्स को भी ड्राइव कर लिया, साथ ही साथ किसको ड्राइव कर लिया, ए वाई को, ठीक है, ये दोनों हमने ड्राइव कर लिए। अब कोई बंदा पूछता है कि सर इनके कंपोनेंट का फ़ायदा क्या है, ये ज़रा देख लेते हैं कि हमें ये फ़ायदा क्या दे रहे हैं। देखो अब एक वेक्टर ए था, अब मुझे नहीं पता था कि भाई एक्स में इसकी कितनी ताकत है और वाई में कितनी ताकत है। जैसे कि वेक्टर ए को छोड़ो, हम इधर कह लेते हैं कि भाई ये जो वेक्टर है ये फोर्स का वेक्टर है, इसकी 15 की वैल्यू है और ये इस डायरेक्शन में ऐसे बना हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि अगर कोई बंदा कहे सर मुझे तो फोर्स चाहिए एक्स में, मैंने कहा यार ये एक्स में भी काम करेगा, वो कहता है सर एक्स में कितनी की काम करेगा, तो एक्स में काम करने के लिए आप क्या करोगे, उस 15 कॉज और एंगल पुट करके आप निकालोगे सर एक्स में इतनी आ जाएगी। जैसे कि हम इसको कॉस 45 ले लेते हैं या कॉस 30 ले लेते हैं, जब आप पुट करोगे तो आप देखोगे कि भाई एक्स में इसकी लेट्स सपोज 15 में से 7 वैल्यू इधर आ रही है या 10 वैल्यू इधर आ रही है, 5 इधर जा रही है। तो इससे ये पता चल जाता है कि किसी कंपोनेंट की कितनी की वैल्यू या कितनी की ताकत है, वो कौन सी डायरेक्शन में वो इस्तेमाल कर रहा है, इन सेंस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ज़रा देखें एक और चीज़ मिलती जुलती, बस इसी टॉपिक से रिलेटेड ही है थोड़ी सी, उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। अब एक बंदे ने कंपोनेंट्स को बना लिए, वो कहता है सर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैंने कहा हाँ यार। उसने कहा सर देखें ए वाई साइन थीटा और ए एक्स क्या है, कॉस थीटा। तो अगर आप देखें तो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। अब आपको पता है कि जो भी वेक्टर का अपने कंपोनेंट बनाने हैं वो इसी प्लेन में बनाने हैं, एक्स और वाई के, लेकिन एक्स और वाई के चार कोऑर्डिनेट हैं, 1, 2, 3 और 4। अब मुझे ये बताएं कि पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं। आपको पता है कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स इस तरफ है, ओरिजिन से ये भी पॉजिटिव है, ऊपर मैं एक्स लिख रहा हूँ, नीचे आपके पास आ जाएगा वाई, वाई भी क्या है, पॉजिटिव। सेकंड में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। फोर्थ में, थर्ड में आपको पता है एक्स भी इधर है, वाई भी इधर है, तो ये दोनों नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है। अब मुझे वैसे तो नज़र आ रहा है लेकिन इन फार्मूलों को भी ये पूरा सेटिस्फाई करेगा, कैसे? आपने छोटी क्लासेस में एक ये मुहावरा पढ़ा होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, हमारी पंजाबी जुबान में से कहते हैं आ सजना तुर चलिए, ठीक है। तो जो ए है इसका मतलब होता है आल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज़ पॉजिटिव होती है, तो हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, साइन, टेन और कॉस, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेन पॉजिटिव है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। तो ज़रा हम चेक करें कि क्या ये कंपोनेंट्स ये जो हैं आ रहे हैं एक्स वाई, क्या ये पहले सेकंड थर्ड में आते हैं सूटेबल। देखो जब मैं बात करूँगा पहला, तो पहले के अंदर एक्स पॉजिटिव है, वाई भी क्या है, पॉजिटिव। अगर पहले को देखें तो इसमें साइन है, कॉस है, तो ये दोनों वैसे ही पॉजिटिव होने हैं, तो ये पॉजिटिव। सेकंड में देखें साइन पॉजिटिव और एक्स,
नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो वैसे भी देखेंगे सेकंड में जब साइन आएगा तो साइन तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ जाएगा। लेकिन जब मैं कॉस की बात करूँगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। और वैसे भी इस शक्लो सूरत से भी आपको नजर आ रहा है ऐसे कि ये देखें ना, ये एक्स है, ये माइनस का और ये वाई का। थर्ड में आ जाए, थर्ड के अंदर देखो दोनों नेगेटिव है और टू टीम इन टेन पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, तो वैसे भी फार्मूले के मुताबिक दोनों नेगेटिव है। फोर्थ में आ जाए, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है तो देखें एक्स पॉजिटिव आ रहा है, और कॉस और साइन नेगेटिव है तो साइन वाई भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ से क्वाड्रेंट्स के लिहाज से भी ये फार्मूले मुकम्मल हमें सूटेबल लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इनको रिजॉल्व क्यों किया। अब मैं आपको घर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, आपने उसे ट्राई करना है, ठीक है, वालदैन की निगरानी में एक्सपेरिमेंट ट्राई करना है। अच्छा, अब ये क्या, ये आपके पास एक कपड़ा पड़ा होगा, ठीक है, इस कपड़े के ऊपर ना आपने इस जगह पर एक धागा बांध लेना है, ऐसे धागा बांध लिया, धागा अच्छा खासा लंबा ऐसे बांध लिया, इस कपड़े को आपने ऐसे रख देना है इस साइडों पे ना, टेप लगा के इस साइड पे और इधर आपने बिल्कुल ऐसे टेप लगा देनी है और इसे रख देना, बल्कि इधर भी ना लगाना, जस्ट इस पॉइंट पे आप टेप लगा देना या इस इसको किस तरह से टाइट कर देना, या कपड़ा ना लो, कागज़ वगैरह ले लो, कोई भी चीज़। आपके पास ये धागा है, ये ऐसे करके धागा है, ठीक है, आपने इस धागे को ना पकड़ के इधर ले आना, जब आप पकड़ के इधर लाओगे ना ऐसे खींचोगे तो आप देखोगे ये साइड रोल होनी शुरू हो जाएगी। अब हमारे कोऑर्डिनेट के मुताबिक ये क्या है, एक्स, तो इसका मतलब है ये साइड एक्स में चल रही है, ठीक है। और जब आप इस धागे को पकड़ के इधर ला के ऐसे खींचोगे नीचे की तरफ, यानी कि इधर खींचोगे तो आप देखोगे एक्स चलेगा, और इधर खींचोगे तो वाई में कपड़ा ऐसे ऐसे या कागज़ ऐसे ऐसे रोल होना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, और अगर ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे। लेकिन जब आप इसको इस जगह पर रख के ऐसे खींचोगे बिल्कुल इनके सेंटर से, जैसे कि मैंने वेक्टर बनाया था, तो आप देखोगे ये कपड़ा दोनों साइडों से रोलिंग शुरू कर देगा, ये इस तरह रोल कर रहा होगा, इसका एक्स वैल्यू भी चल रही होगी और वाई भी। इसका मतलब है ये जो आप फोर्स का वेक्टर लगा रहे हो, ये अपने दो कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रहा था, और बता रहा था कि मैं एक्स में इतना चल रहा हूँ और वाई में इतना। तो आप इस धागे के एंगल को जैसे जैसे ऊपर नीचे मूव करोगे, आप देखोगे इनकी वैल्यू में कमी या ज्यादा आनी शुरू होगी। जब आप इस तरफ लेके जाओगे तो एक्स ज़्यादा रोटेट होना शुरू हो जाएगा और वाई कम, और जब इधर लाओगे तो वाई ज़्यादा हो जाएगा और एक्स कम। तो ये भी यही चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि जो फोर्स है इसकी वैल्यू दो कंपोनेंट्स में चल रही है, एक्स और वाई के अंदर, सेम इस सेंस में, ठीक है। जब थर्ड की बात करते हैं तो आपने एक डब्बा ले लेना, रबड़ का, लेट्स सपोज एक डब्बा बना हुआ है ऐसे क्यूब, ठीक है, जैसे ये रूम है, इसके किसी भी एक कॉर्नर में आपने धागा बांध लेना अंदर की तरफ, आपने उस धागे को खींचना, तो आप देखोगे उस कॉर्नर की तीनों साइड अंदर की तरफ मुड़नी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब है फोर्स की वैल्यू उसके तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रही है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो यहाँ से भी पता चलता है कि फोर्स अपने या कोई भी वेक्टर अपने तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये सारा था आपका आज का टॉपिक, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, समझ लेना है और इसे तैयार रखना है, क्योंकि आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा उसके अंदर ये थोड़ी सी चीज़ें यूज़ होंगी, ताकि नॉन न्यूमेरिकल्स में भी ये यूज़ होंगे, तो इसलिए ये आपको पता हो कि ये ए एक्स किसके बराबर होता है और ए वाई किसके बराबर होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।